हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का कोर केमिकल इंजीनियरिंग में स्वागत है। मैं आप लोगों को बायोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में बताने वाला हूं। ये मेरा तीसरा लेक्चर है फ्लूइड एंड पार्टिकल मैकेनिक्स सब्जेक्ट का। अगर आप लोग मेरे पहले दो वीडियोस नहीं देखे हैं, इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है, उसको क्लिक करके आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग बैरोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में। सो व्हाट इज़ बैरोमेट्रिक इक्वेशन? बेसिकली बैरोमेट्रिक इक्वेशन इज ए फार्मूला यूज टू मॉडल हाउ द प्रेशर ऑफ द एयर चेंजेस विद एल्टीट्यूड। सो यू कैन सी हियर द बैरोमेट्रिक इक्वेशन रिलेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका बैरोमेट्रिक रिलेशन। तो बैरोमेट्रिक रिलेशन बेसिकली क्या बताता है आपको? एयर का प्रेशर एल्टीट्यूड के साथ कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, P2 by P1 is equal to exponential minus mg by RT into Z2 minus Z1 in bracket. So this is the relation which is used for calculation of the air pressure changing with respect to the altitude. तो ये डेरिवेशन आता है, ये डेरिवेशन बेसिकली आइडियल गैस के लिए है हमारे। तो हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन को। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो ये जो डेरिवेशन ड्राइव्ड है बेस्ड ऑन द हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो मैंने आपको पहले, इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का, वो देखिए, उसमें ये रिलेशन आता है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन होने के लिए, dP बाय रो प्लस gdz इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं, बेसिकली एज्यूम आइडियल गैस बिहेवियर। तो आइडियल गैस का जो रिलेशन है आपका PV इक्वल टू NRT, वेयर N इज द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिकुलर वेट। तो यहाँ पे अगर N की वैल्यू आप यहाँ पे जाके पुट करेंगे तो इसका जो रिलेशन आएगा, रो इज इक्वल टू PM बाय RT। तो ये डेंसिटी इक्वल टू PM, M क्या है आपका? मॉलिकुलर वेट है। तो आप इस वैल्यू को, जो आपका M रो का वैल्यू आया है, इस वैल्यू को आप यहाँ पे जाके पुट कर दीजिए, करेक्ट? सो लेट्स पुट दिस वैल्यू एंड सी व्हाट कम्स। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, और वैल्यू पुट करने के बाद हम प्रेशर को P1 से P2 तक इंटीग्रेट करेंगे और dz को Z1 से Z2 तक। तो आपका ये रिलेशन आ गया है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइनल रिलेशन मिलेगा। सो फाइनल एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप देख सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल रिलेशन ऑफ बैरोमेट्रिक इक्वेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट बैरोमेट्रिक इक्वेशन। सो फ्लूइड मैकेनिक्स के इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं अपने अगले वीडियो में। तो वो हमारा वीडियो होगा हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इन सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद इट एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।